हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, ये बात तो हम सभी आर्मी जानते हैं कि कल जंगकुक का सॉन्ग 3D रिलीज हुआ था, जो कि बहुत अमेजिंग है। एंड इसीलिए बहुत सारी आर्मी से इस सॉन्ग को बहुत सारा प्यार और स्ट्रीम्स मिल रहे हैं। तो दोस्तों, आज Spotify ग्लोबल का चार्ट अपडेट हुआ है। एंड दोस्तों, जंगकुक Spotify ग्लोबल के चार्ट पर 3D सॉन्ग से नंबर 3 पर टॉप कर रहे हैं, वो भी 6.2 मिलियन स्ट्रीम्स के साथ। एंड दोस्तों, ये 6.3 मिलियन स्ट्रीम्स सिर्फ एक दिन की है, जिस दिन सॉन्ग रिलीज हुआ था। एंड दोस्तों, इसी के साथ फनी बात तो ये है कि इस टाइम ग्लोबल Spotify चार्ट पर नंबर 2 पे जो सॉन्ग रैंक कर रहा है, वो सॉन्ग कोई और नहीं बल्कि 7 ही है। दोस्तों, सच में 7 अपनी जगह से हटने का नाम ही नहीं ले रहा है, मतलब चार्ट्स पे जंगकुक को ही बीट कर रहा है। एंड दोस्तों, इसी के साथ हम लोगों के जंगकुक सच में कमाल है, क्योंकि जंगकुक ने आज तक जितने भी सोलो सॉन्ग रिलीज किए हैं, वो सभी सॉन्ग अपने पहले दिन की स्ट्रीम से हमेशा ग्लोबल Spotify चार्ट पर रैंक 3 के अंदर ही टॉप करते आ रहे हैं। जैसे 7 जो की 1 पर था, जंगकुक का सुगा के साथ सॉन्ग स्टे अलाइव 3 पर था, लेफ्ट एंड राइट भी 3 पर ही टॉप करा था, एंड ड्रीमर भी फर्स्ट डे की स्ट्रीम से 2 पर ही टॉप करा था, एंड नाउ 3D भी 3D पोजीशन पर रैंक कर रहा है। जंगकुक, यू आर अमेजिंग। दोस्तों, सच में जंगकुक का सोलो टैलेंट और उसकी अचीवमेंट कमाल है। एंड दोस्तों, इसी के साथ आज जंगकुक के सॉन्ग 3D की लाइव परफॉर्मेंस रिलीज हुई थी बैंगटन टीवी यूट्यूब चैनल पर। एंड मुझे पता है कि अभी तक आप सब ने इस परफॉर्मेंस को देख भी लिया होगा, पर दोस्तों, क्या आपने ये नोटिस किया कि जंगकुक का माइक इस वीडियो में वाइट है, ना कि पर्पल जो जंगकुक यूज करते हैं। तो दोस्तों, दरअसल इसी को लेकर जंगकुक से एक इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जंगकुक ने अपना माइक कलर क्यों चेंज किया है। तो दोस्तों, जंगकुक ने इस पर कहा कि मुझे लगता है कि मैं ब्लूइश टिंट और व्हाइट कलर जैसा हूँ, और इसीलिए मैंने अपने माइक कलर को चेंज कर दिया है। दोस्तों, व्हाइट कलर शो करता है कि वो पीपल प्योर इनोसेंट है, सिंपल है, एंड वो पर्सन अपने आसपास के लोगों को अच्छा फील कराना चाहता है, एंड वो एक सेल्फ रिफ्लेक्शन पर्सन है, यानी कि उसे पता है कि वो किस चीज में अच्छा है एंड उसे कहाँ इम्प्रूव करने की जरूरत है। दोस्तों, वैसे तो जंगकुक सच में ऐसे ही हैं। तो दोस्तों, जंगकुक ने अपने इंटरव्यू में आगे कहा कि BTS के सॉन्ग उसके सॉन्ग से बहुत अलग हैं, और इसीलिए जंगकुक के सॉन्ग में जंगकुक सिर्फ अपने ही यूनिक कलर शो कर सकते हैं, ना कि BTS के, जिससे वो बना है। तो इसीलिए जंगकुक ने अपना माइक कलर चेंज कर लिया है। दोस्तों, ये भी हो सकता है कि जंगकुक व्हाइट माइक को सिर्फ अपने सोलो एक्टिविटीज में यूज करें, या फिर सिर्फ 3D सॉन्ग के प्रमोशन एक्टिविटीज में ही, क्योंकि दोस्तों 7 सॉन्ग के टाइम पर जंगकुक ने व्हाइट की जगह ब्लैक माइक को यूज करा था। बट दोस्तों, अब ये बात तो कंफर्म है कि जंगकुक अपने सोलो परफॉर्मेंस और अपने सोलो प्रोजेक्ट्स करते वक्त अब जंगकुक पर्पल माइक को यूज नहीं करेंगे, बट मे बी 2025 में जंगकुक अपने पर्पल माइक को फिर से यूज करें। तो दोस्तों, ये थे BTS के आज के अपडेट। ऐसे ही BTS मेंबर के सब अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अनदर अपडेट वीडियो में। टिल देन, कीप स्ट्रीमिंग 3D। बाय बाय।